आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होती है और वो करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक करते हो तो ऑब्वियसली आपके लिए क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट होने चाहिए, इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार चैनल पर नया आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। और अगर आपको करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमने करियर काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दी है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जाकर के जरूर देखिएगा। लेकिन पहले आप वीडियो देखिए पूरा। सबसे पहले बात करते हैं, देखो पॉलिटेक्निक लेवल पे ना जॉब में एक लिमिट होती है कि भाई आप इतनी सैलरी तक कमा सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी में हो, जैसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, जहाँ पे आप 1 लाख मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, बहुत ऊंचे तक मैक्सिमम मैंने डिप्लोमा होल्डर्स को 1.5 लाख रुपए महीना तक कमाते हुए देखा है। बहुत ऊंचे पदवी पे चले गए, 1,60,000 रुपए महीना तक चले गए हैं। उससे ज़्यादा कमाने के लिए डिप्लोमा होल्डर्स को बहुत करेज, बहुत सारी चीज़ों, बहुत एफर्ट, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वही डिप्लोमा होल्डर्स डिप्लोमा के बाद बीटेक कर ले तो गाइज उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, और बीटेक करने के बाद उसके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हो जाती हैं और बहुत सारे लॉट ऑफ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, और उसका करियर ग्रोथ भी काफ़ी बेटर हो जाता है कि भाई वो उसने बीटेक किया हुआ है, बीटेक के बाद उसके लिए मल्टीपल डायनेमिक ऑप्शन ओपन हो जाते हैं और वो करियर ग्रोथ भी काफ़ी बेटर हो जाता है। तो अगर वो जहाँ मान लो 20,000 कमा रहा होगा, अगर बीटेक कर लेता है तो उसके लिए डुअल बेनिफिट हो जाते हैं, तो 40,000 रुपये महीना भी कमा सकता है। अब कई लोग कहेंगे सर बीटेक करके लोग 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, कमा रहे होंगे बिल्कुल। ये फ़ायदा तब आपको होगा जब आप अच्छी जगह से बीटेक करोगे, जैसे आप पॉलिटेक्निक मान लो टायर थर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहे हो, लेकिन बीटेक आपका अच्छा कॉलेज से हो गया, बीटेक बढ़िया कॉलेज से हो गया, बीटेक बेस्ट कॉलेज से हो गया। तो जब बीटेक आपका बेस्ट कॉलेज से हो जाएगा तो वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, वहाँ से आपका करियर बेटर जाएगा, वहाँ से आप पैसे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि इन सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों पर आपको वर्क करना पड़ेगा, और जैसे आप वर्क करोगे ना वहाँ से आपका करियर नेक्स्ट डायरेक्शन में जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ नहीं मैंने सही किया, ये वर्थ है हमारे लिए, इससे मेरा करियर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक अलग डायरेक्शन में जाएगा। सो उससे क्या होगा ना कि मतलब चीज़ें आपके लिए बेटर वे में जाएंगी, और अगर आपने सही डायरेक्शन में और सही तरीके से नहीं किया तो फिर मतलब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, चीज़ें उस लेवल पर नहीं जा पाएंगी जिस लेवल पर जानी चाहिए। तो अगर आपने सही से काम किया, सही तरीके से काम किया तो चीज़ें बहुत अच्छे से जाएंगी, और सही तरीके से नहीं काम किया तो चीज़ें बहुत बेकार तरीके से चली जाएंगी। तो जो लोग डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक करते हैं उनके लिए सैलरी ग्रोथ, करियर ग्रोथ, सब चीज़ बेटर हो जाता है। देखो एंड गोल क्या होता है हमारा, पैसा कमाना। तो बहुत सारे लोग होते हैं फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती तो ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप पैसा नहीं कमा पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो वीकली क्लासेस पे भी कराने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो आप लोग ऐसे कॉलेज भी चूज कर सकते हो जो, क्योंकि देखो बीटेक जो है वो डिस्टेंस से नहीं होता, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, रेगुलर डिग्री है तो रेगुलर ही आपको जाना पड़ेगा, डिस्टेंस नहीं होता। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो डिस्टेंस से नहीं, मतलब आपको वीकेंड में क्लासेस या कराते हैं और कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, तो आप उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज से कनेक्ट करके अपने बीटेक की डिग्री भी ले सकते हो पढ़ाई के साथ भी, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं वो खुद कराती हैं, उनके कॉलेज हैं तो अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाते हैं, तो देखना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, आप ये जान लीजिए। वीडियो में इतना ही, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन करें, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन दिए, एक बार जाकर के ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।